Hey guys, welcome to the channel Fun with Maths. और guys, आज का टॉपिक आपके सामने है. क्या टॉपिक है वो? वो टॉपिक है टिप्स टू रिमूव एग्जाम टेंशन. एग्जाम टेंशन होती है ना बच्चों को, होती है ना एग्जाम टेंशन बच्चों को. तो आज मैं अपने चैनल पर उसी के ऊपर वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं आपको दूंगी 12 टिप्स जिससे आप स्कोर कर सकते हो अबव 90%. ठीक है, बस आपको क्या करना है, इन टिप्स को फॉलो करना है और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना गाइस. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम. सबसे पहले आपका हमें जो कंप्लीट करना है स्टडी टिप नंबर 1, फिक्स अ प्लेस टू स्टडी. अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो बेड पे बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं या फिर अपने कमरे के अंदर ही. बेड होता है तो बेड बैठ जाते हैं, टेबल होता है टेबल पे बैठ जाते हैं, चेयर होती है चेयर बैठ जाते हैं, जमीन होती है जमीन बैठ जाते हैं, कहीं भी. ठीक है, या फिर कमरे से बाहर निकल के लॉन में बैठ जाते हैं, है ना, इस तरीके से. सो गाइस, आपको सबसे पहले अपनी एक फिक्स्ड करनी है प्लेस, ठीक है, कि आपको वहीं बैठ के पढ़ना है ताकि आपका फुल कंसंट्रेशन और फोकस बना रहे. ठीक है, चलते हैं आपकी स्टडी टिप 2 पर. मेक योर परफेक्ट टाइम टेबल. यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि आपको अपना परफेक्ट टाइम टेबल बना के रखना है जिसमें आपको क्या करना है, खेलना है, पढ़ाई करना है, थोड़ा सा फ्रेश आपको फ्रेश अप होना है, कुछ खाना है आपको, साथ में साथ अपना रीडिंग टाइम रखना है. आपको क्या करना है, आपको टॉक करनी है पेरेंट्स से, आपके फ्रेंड्स से, और साथ ही साथ आपको स्लीप भी लेनी है 8 hours की प्लस हाफ एन आवर अगर आप लेते हो इन द आफ्टरनून. ठीक है, ये हो गया. अच्छा ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने इस तरीके से बनाना है कि आप उसे फॉलो कर सको. समझ रहे हो गाइस? चलिए, बहुत ही अच्छी बात. अब बढ़ते हैं हमारी स्टडी टिप 3 पे, एग्जाम कैलेंडर. गाइस, अगर आपने, अब देखो, आपने अपना फिक्स कर लिया प्लेस कि आपको यहाँ पढ़ना है. ठीक है, अब आपको अपना टाइम टेबल भी आपने देख लिया कि कैसे है. आपको क्या करना है, जहाँ आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए वहाँ पर आपको अपना टाइम टेबल भी चिपकाना है, और साथ ही साथ जैसे डेट शीट आ गई है बोर्ड की, तो क्लास 10th वाले बच्चों की, तो उन्हें क्या करना है, अपने डेट शीट का प्रिंट आउट निकालना है या फिर अपनी कॉपी के किसी पेज पे लिखना है उसे, या फिर अगर मैं बात करूँ 8th, 9th, 11th, 12th किसी बच्चे की जिनकी भी वीडियो देख रहे हैं बच्चे की, उनको अपना क्या करना है, अपना स्टडी टेबल के वहीं पर, ठीक है, वॉल पर आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल और कैलेंडर. कैलेंडर यानी कि आपकी जो डेट शीट है एग्जामिनेशन की, फाइनल एग्जामिनेशन की. ठीक है, क्लास 10th के लिए बोर्ड, क्लास 12th के लिए बोर्ड, और नॉर्मल बच्चे जो क्लास 9th में, क्लास 11th में, क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 6th, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना एग्जामिनेशन जो भी उनकी डेट शीट आएगी उसे अपने टेबल पर क्या करना है, चिपका लेना है, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस हिसाब से पढ़ना है. ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे स्टडी टिप 4 पर. स्टडी टिप 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट वो होती है जहाँ पर आप अपने 4 या 5 जितने भी आपके सब्जेक्ट है आपको कॉलम बनाने उतने, और साथ ही साथ आपको रोज में लिख देना उन्हें, तो अपने सब्जेक्ट को, और क्या करना है, ऊपर कॉलम्स बना देने हैं. उन कॉलम में आपको लिखना है कि आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, आपको क्या रिवाइज करना है, और साथ ही साथ आपका क्या पेंडिंग है. ठीक है, ये 3 आपकी टू डू लिस्ट होगी जो आपको कॉलम में लिखनी है. ठीक है, और रोज में क्या आएंगे, आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और आपका टिक आ जाएंगे कि आपने क्या क्या कंप्लीट कर रखा है. ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा इससे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या बचा हुआ है और क्या कंप्लीट हो गया है आपका. ठीक है, अच्छा इसकी आप इमेज देख लो कैसे बनाते हैं. ये देखो, देख रहे हैं सामने, इस तरीके से आपका ये जो पिंक कलर से इन्होंने टिक टिक कर रखा है, ये आपका रोज सब्जेक्ट आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, और ऊपर आपका कॉलम आ जाएगा और सबसे ऊपर हेडिंग दे देना टू डू लिस्ट, और इसे भी आप अपने स्टडी टेबल पर चिपका लेना, यहाँ पर आपको जहाँ भी रखना हो, जहाँ आप कंफर्टेबल हो. ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी स्टडी टिप 5 पर, रिव्यू एंड रिवाइज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिव्यू एंड रिवाइज?
रिवाइज का तो पता है, रिव्यू क्या होता है? रिव्यू होता है जहाँ पर आपने अपना टू डू लिस्ट बना ली कंप्लीट, में आपने अपना देखा अच्छा ये मेरा चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी कि कंप्लीट हो गया मेरा, तो अब मुझे इसका रिव्यू करना है। रिवाइज तो कर लिया कि क्या क्या फॉर्मूलेज है, क्या क्या टेबल है, इसमें क्या क्या रेशियोज है, क्या क्या आइडेंटिटीज है, आपने ये सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब आपको अपनी उन एक्सरसाइज का किसी कोई भी क्वेश्चन को उठा लो, आपको अपना टेस्ट लेना है और उसमें आपको, आप अगर 50 मार्क्स का बनाते हो टोटल, तो आपको अपना टेस्ट लेना है उस 50 मार्क्स का और देखना है कि आपकी कहाँ कितने मार्क्स आए हैं, कहाँ आपकी कमी है, ठीक है। तो ये आपका रिव्यू हो गया, रिव्यू एंड रिवाइज स्टडी नंबर 5th कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं हमारी स्टडी नंबर 6 पर, ठीक है। स्टडी 6, अभी क्या कहती है स्टडी टिप ट्रिक्स। कुछ बच्चे लर्निंग स्टाइल चाहिए, ठीक है। लर्निंग स्टाइल में क्या होता है, जैसे कुछ बच्चे को याद कैसे होता है, याद करने का तरीका है यहाँ पर, ये लिखने का तरीका है। अब बहुत बच्चे याद कैसे करते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन याद कर लिया, दूसरा फिर वो लिख लेंगे उस क्वेश्चन को अपने साइड में एक पेपर पर या कॉपी पर, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे देख कर याद कर लेते हैं उसको, कुछ बच्चे रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आपकी ये स्टडी नंबर 6 टिप है, ठीक है। स्टडी टिप 6 कंप्लीट होती है। अब हम चलते हैं स्टडी टिप 7 पर, ठीक है। चलिए स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है, स्मॉल ब्रेक की बात हो रही है यहाँ पर। अब इसका क्या मतलब होता है, जब आप, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इन बिटवीन 1 आवर 2 आवर फॉर एटसेट्रा, ठीक है। अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम आप 15 मिनट्स का ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप क्या करो, म्यूजिक सुन लो, पेरेंट्स टॉक कर लो, फ्रेंड्स टॉक कर लो, ठीक है, या छोटे भाई बहन है उनकी हेल्प कर दो, ठीक है, या इससे बेटर आपको हो, जाते हो पढ़ाई करके 15-20 मिनट, तो आपको उस टाइम पे सोचना है कि आपका क्या ये गोल है कि आप 15-20 मिनट में चुपचाप होके बैठ जाओ और ये बोलो कि थक गए, नहीं। आपका गोल है कि आपको 90% अबव लाना है या फिर 98% अबव लाना है, ठीक है। तो ये हमेशा अपना एक गोल या मोटिवेशन बना के रखो कि आपको ये बनना है, IAS बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को लॉयर बनना है। आपको देखना है कि आपको क्या बनना, और उसके लिए आपको क्या 15-20 मिनट का स्टडी काफी है, नहीं, आपको कम से कम 2 आवर, आपकी मर्जी आपको क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी टिप नहीं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है, आपको क्या करना है ये आपको देखना है, ठीक है। चलते हैं स्टडी टिप 10 पर, रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब आप काम कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो 1 आवर, तो रखो कि आपकी, जैसे आपने पढ़ लिया, तो आपको उस टाइम पे क्या सोचना है कि अगर जैसे मेरे ये कंप्लीट हो गया चैप्टर,
तो आपको अपना छोटा सा रिवॉर्ड भी रखना चाहिए जिससे आप खुश हो। जैसे अगर आपके आपने अपना रिव्यू लिया है किसी चैप्टर का और आपके 50 में से 49.5 या 47.5 या 48.5 आए हैं, तो आपको बोलना है वेरी गुड, आपका जो भी नाम है इसके आगे। और फिर आपको अपनी मम्मा से कुछ ऐसा बनवाना है जिससे आप खुश हो, या आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आप खुश हो। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टडी टिप 10। चलते हैं स्टडी टिप 11 पर। स्टडी टिप 11 क्या कहती है? हेल्दी ईटिंग। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे ईटिंग होना था। ठीक है, ये आपका ओके स्टडी, आपको समझ आ रहा है 11th पॉइंट स्टडी टिप 11 है ये आपकी, हेल्दी ईटिंग ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जंक फूड खाओगे तो आप उससे पढ़ नहीं पाओगे। कैसे आप पढ़ नहीं पाओगे, ये कैसा सवाल बोल दिया, कैसा क्या बोल दिया इसने। हाँ गाइस, अगर आप लोग हेल्दी फूड नहीं खाओगे तो आप लोग एग्जाम नहीं दे पाओगे, पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पेट में दर्द रहेगा, फीवर रहेगा, जुकाम रहेगा, ठंडा खाते रहोगे तो। ठीक है, या जंक फूड बर्गर पिज्जा लाइक दिस। ओके, आपको नट्स खाने हैं, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, आपको हेल्दी फ्रूट्स खाने हैं जिससे आपको विटामिन ए, विटामिन बी, सारे विटामिन मिनरल्स मिल सके, प्रोटीन मिल सके, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारी स्टडी टिप 12 पर। ऑलवेज बी पॉजिटिव। यस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पॉजिटिव नहीं रहते, वो सोचते हैं कि भैया हम क्या करेंगे पेपर में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम 80 भी ला नहीं पाएंगे या फिर हम 60 भी ला नहीं पाएंगे, हमसे ना होएगा, हमसे ना हो पाएगा, ऐसे सोचते तो सोचते है ना। ये नेगेटिव पॉइंट्स है, आपको नेगेटिव नहीं होना अगर आपको बनना है कुछ। ठीक है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको क्या रहना है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यही मैं अपने चैनल पर भी बताती हूँ कि पढ़ाई करो फन के साथ, इसलिए मेरे चैनल का नाम भी फन विद मैथ्स है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मैथ्स देती हूँ, मैथ्स पढ़ाती बच्चों, क्योंकि मैथ्स ही टफ स्टोर लगता है बहुत बच्चों को। ठीक है, और वो चाहते हैं कि 10th में बस हो जाए मैथ्स और हम इससे छुटकारा कर पाए, लेकिन मैथ्स ही तो लाइफ है हमारी, लाइफ के अंदर भी तो मैथ्स यूज करते हैं हम। कभी सोच के देखना कि लाइफ में आप लोग मैथ्स यूज करते हो क्या, बहुत बच्चों का आंसर यस होगा। ठीक है, और जो भी सोचता है ना ये सब, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने बच्चे सोचते हैं कि हमारी लाइफ ही हमारा मैथ्स का एग्जांपल बन जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा एंडिंग। ठीक है गाइस, जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए ये सारे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो इफ यू लाइक इट। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना। ठीक है, बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस। गाइस, आपको मैं दोबारा से एक बार सारे 10 आपके 12 पॉइंट जितने भी थे सब बता देती हूँ। फिक्स अ प्लेस टू स्टडी, ठीक है। सेकंड है मेक योर परफेक्ट टाइम टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, एग्जाम कैलेंडर। फोर्थ, टू डू लिस्ट, सी इमेज। ओके, दिस इज टू डू लिस्ट। नाउ फिफ्थ टिप, रिव्यू एंड रिवाइज। सिक्स, लर्निंग स्टाइल। सेवन, small breaks, for example in between 1 hour 2 hour. Okay, 8 means take your what, take help from your parents, teachers, friends. Okay, so study tip 9, find your motivation goal. 10, reward yourself. 11, healthy eating during exam. Subscribe my channel, hit the bell icon button and if you like my video then please like, और जरूर बताना कि आप क्या life में अपनी maths use करते हो, और कितने बच्चे ये समझते हैं कि life ही हमारी maths का example है। ठीक है, चलिए मिलते हैं next video में।